very very embarrassing really really embarrassing aur select karo select karo average log aur select karo aur aur select karo average team management and the average pc this is the outcome i mean like i am really super super disappointed and you losing against zimbabwe no और अब आप qualify भी बहुत मुश्किल से लगेगा आप वो ऐसे होंगे ऐसे होंगे साउथ अफ्रीका हारेगा उससे हारेगा ऐसे होगा

और ये डिफीट बहुत हर्ट करेगी अभी मैंने अपने चाचा से बात की वो क्या बोल रहे थे कि 99 में जिम्बाम्बे ने इंडिया को हराया था इंडिया बाहर हुआ था तो यार अब ऐसा ही कुछ सीन हो रहा पाकिस्तान के साथ हालांकि मैं उतना पीछे तो नहीं जाता मुझे पता ही नहीं 99 का वर्ल्ड कप कुछ भी पता नहीं ऑब्वियसली अभी जो सीन हुआ है ऐसा सीन लास्ट ईयर इंडिया के साथ हुआ था इंडिया अपना सेकेंड मैच न्यूजीलैंड से आ रहा था आपको याद होगा और अभी पाकिस्तान अपना सेकेंड मैच जिम्बाम्बे से आ रहा है और आउट ऑफ द टूर्नामेंट कन्फर्म मैथमेटिकली पॉसिबल है पाकिस्तान का अंदर आना बट वो ये हारे तो वो हारे तो वो हारे तो ये हारे ये पॉसिबल नहीं होना है अभी यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है जिम के खिलाफ पाकिस्तान के जो बेट्समैन है उन्होंने बहुत घटिया खेला पता नहीं हालांकि मैंने स्टार्टिंग के जिम बाम्बे बैटिंग के ओवर देखे दो या तीन ओवर में इनके अच्छे खासे रन थे पहले ओवर में साहिन अफरीदी चौदह रन दूसरे ओवर में शायद तेईस से चौबीस रन हो चुके थे तो मैंने कहा जिम्बाबे आज कुछ करेगी पक्का कुछ करेगी और मैच फंसेगा और वैसे ही कुछ हुआ जिम्बाबे मैच जीत गई हालांकि जिम्बाम्बे ने पूरी कोशिश की थी आखिरी में मैच हारने की ये लोग फील्डिंग छोड़ने लगे थे इवन शाहीन अफरीदी ने जो शॉट मारा था कीपर ने फंबल कर दिया था और वो विकेट मतलब रनआउट करना था वो मुझे लग रहा था कि हम मिस ना कर दे लेकिन फाइनली मैच जीत गए जिम्बाबे और पाकिस्तान को अब मैं क्या बोलूँ यार पाकिस्तानी बेचारे जो इतना फॉलो करते हैं क्रिकेट को वो तो हार्ट होगा और सेम चीज़ रिपीट हो रही है पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के साथ हुई थी लास्ट ईयर बस पाकिस्तान के साथ जो सेमीफाइनल में जो चीज़ रिपीट हुई थी इंडिया के साथ ना हो यार बस यार इंडिया को यार अब वर्ल्ड कप चाहिए 2013 हज़ार फाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हम कोई भी आई का टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं हम हमेशा सेमीफाइनल या फाइनल में चोक करते हैं आपको याद होगा दो श्रीलंका फाइनल उसमें सीन क्या हुआ था जंके राणा ने बहुत स्लो स्टार्ट दिया और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद विराट कोहली बस अकेले खेल रहे थे उसके बाद बारह ओवर में इंडिया के तिहत्तर रन थे अजिंक्य रहाणे प्लस रोहित शर्मा खेल रहे थे आई थिंक उसके बाद एम एस धोनी और युवराज सिंह पर पूरा ब्लेम डाला गया मलिंगा ने काफी अच्छी बॉलिंग की इंडिया 130 रन तकरीबन बना पाया और इंडिया वो वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया जो कि सबसे अच्छी टीम थी इंडिया उस वर्ल्ड कप की 15 सेमीफाइनल हम बिना किसी मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए आपको पता है इंडिया के टॉप थ्री शिखर धवन रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों आउट हो गए एम एस धोनी अकेले फाइट करते रहे वो हारे सोलह सोलह का आपको याद होगा वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी इंडिया विराट कोहली एक नंबर खेल रहे थे लेकिन वेस्ट इंडीज़ से हम फाइनल सेमीफाइनल में हार गए और उसके बाद क्या हुआ सत्रह का चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान से हारे अठारह में शायद कुछ हुआ नहीं उन्नीस में हम बहुत बड़ा बड़ा मैच हारे वर्ल्ड कप हमारा था उस वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी इंडिया सेमीफाइनल हारे हम फिर बीस में कुछ नहीं हुआ इक्कीस में अभी पिछले साल आपको याद है सेमीफाइनल भी नहीं पहुँचे इस बार इंडिया का बहुत अच्छा वो बन रहा है उम्मीद करते हैं यार ये वर्ल्ड कप चाहिए नेक्स्ट ईयर फिफ्टी फिफ्टी ओवर का वर्ल्ड कप है इसी टाइम पे वो चाहिए फिर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में वहाँ पे नहीं खेलना हमको बाहर कराओ कहीं और तो खेलेंगे हम फिर ये कंटिन्यू चलना है तो अब हमें डोमिनेट करना ऑस्ट्रेलिया जैसा आपको क्या कहना इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ गवर्नमेंट में अपनी राय है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें जय हिंद